श भसीन वेलकम बैक टू चैनल द निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है कल मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करी थी बिकॉज आई वाज नॉट श्योर की मार्केट की मोमेंटम किस तरफ हो सकती है बट आई वॉजर की मार्केट पे एक बी मोमेंटम डेफिनेटली चल रहा है जो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था अपने कम्युनिटी चैनल पर और अपने टेलीग्राम चैनल पे सो आई होप उसके थ्रू आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी अब मार्केट ने आज एक बी का ब्रेक दिया आफ्टर दैट मार्केट पूरे टाइम साइड रही लास्ट आर के अंदर हम लोगों को मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली है एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और मैं उसको एज अ शॉर्ट कवरिंग लेकर ही चलूंगा क्योंकि मार्केट uh, के अंदर निफ्टी पे सबसे ज़्यादा बड़ी मोमेंटम हम लोगों ने लास्ट आर के अंदर देखी एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी फोर्टी के ऊपर नहीं जा पाया बट निफ्टी ने अपने मेजर लेवल्स को ब्रेक करते 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 ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है तो निफ्टी इज़ लुकिंग स्ट्रांग बट जब निफ्टी पे हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस करा था नाइनटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी रुपीज़ का जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा हमने बोला था जैसे वो लेवल ब्रेक होगा वहां से हम लोग टू हंड्रेड पॉइंट्स की मोमेंटम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आज वो दिखा चुका है कंप्लीट हो गया आफ्टर दैट मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आई बैंक निफ्टी पूरे टाइम साइडवेज रहा है पूरे टाइम साइडवेज रहा है उसने अपने मेजर लेवल्स को इस ब्रेक डाउन भी ब्रेक नहीं करा तो ये भी एक चीज़ है बट आज हम लोगों ने पुट अनवाइंडिंग होते हुए भी देखने को मिली है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी तो वो भी चीज़ हमें एक बार चेक करनी है कि ऊपर लेवल पे रेजिस्टेंस है बट अगर वो ब्रेक हो जाता है कल गैप अप के थ्रू या फिर वहाँ पर फर फर्स्ट आर तक भी सस्टेन करता है वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि शॉर्ट कवरिंग को कंटिन्यू रखे और वहां से मार्केट और ऊपर जा सके एक बार चलते हैं चार्ट सेटअप पे और देखते हैं कि मैं आप लोगों तो को क्या बता रहा हूं इसके अलावा आज स्टॉक्स के एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा अगर एक या दो मिलते हैं तो बता दूंगा बिकॉज मार्केट अभी भी एक कंफ्यूजन रेंज के अंदर है या तो एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आए या तो एक ब्रेकडाउन आए तो एक क्लैरिटी मिलेगी तब अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अभी हम लोग जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से हम लोगों को लॉसेज फेस करने को मिले तो एक बार ट्रेड सेटअप पर चलते हैं हाय एवरीवन सो मैंने अपना बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रेंडलाइन एनालिसिस कर लेते हैं एंड ट्रेंडलाइन एनालिसिस पे अगर आप चेक करोगे तो जो बॉटम्स को अगर मैंने कनेक्ट करा है तो यहाँ पर एक्जैक्टली exactly एक लेवल निकल के आ रहा है लेट मी जस्ट शेयर दिस विड्यू एग्जैक्टली फोर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी रुपीज एट हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ के आसपास का लेवल है एंड एक्जैक्टली exactly बैंक निफ्टी टेस्ट डैट लेवल और आफ्टर दैट उसके बाद एक छोटा सा पुश हमें देखने को मिला है ऑन द ठीक है तो आई थिंक अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो देअर माइट बी अ चांस कि इसका ब्रेक डाउन हमें देखने को ना मिले एंड सेकेंड चीज अगर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो दिस वॉज द लेवल जो एक previous swing low है. है? कि एक प्रीवियस स्विंग लो है ठीक है आई वॉज वेटिंग कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे सो तो मैं और ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी पर शॉर्ट करूं मैंने आज मार्केट पे एक पुट पोजीशन ली थी उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ एंड निफ्टी uh, पे भी मैंने लिया है लॉन्ग सॉरी बैंक निफ्टी में मैंने लॉन्ग पोजीशन भी ली थी एंड उस पर भी हुआ था तो आई विल शो यू दैट ठीक है सो uh, so ये एक प्रीवियस स्विंग लो है एज यू कैन सी इट हेयर ये लेवल अगर ब्रेक होता है फोर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ का लेवल देन मेरे लिए नीचे के लेवल्स और ज्यादा ओपन हो जाएंगे एंड फोर टू फाइव तो हंड्रेड पॉइंट्स की फॉल मैं बहुत इजिली एजिल, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अब एक बार चलते हैं फिफ्टीन मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ठीक है ऑन अ फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम एक अच्छा गैप uh, डाउन हम लोगों को देखने को मिला आफ्टर आ गैप डाउन एक बड़ी कैंडल बनी ऑन अ फर्स्ट आर के अंदर अगर हम लोग चेक भी करें आफ्टर दैट मार्केट पूरे टाइम साइडवेस रहा है ये जो साइडवेस रहा है इस साइड वेज का ही हम लोगों ने फायदा उठाया एंड आफ्टर दैट ऑन अ थ्री मिनट टाइम फ्रेम विन मार्केट गेव अ ब्रेक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल हेयर लेट मी शो यू जब मार्केट ने इसके ऊपर दोबारा करा क्योंकि मल्टीपल स्टॉप लॉसेस इधर बंधे हुए थे एंड इस कैंडल पे आई हैव गॉट लॉन्ग तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बट आई हैव एग्जिटेड अर्ली बिकॉज मेजर एग्जेक्शन्स की वजह से जो प्रीमियम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे तो उल्टा में डिक्लाइन देखने को मिल रहा था तो आईव एग्जिटेड तो सत्रह सौ के आसपास का ही प्रॉफिट था ज़्यादा कुछ नहीं था बट अब करना क्या है देखिए मार्केट के अंदर डेफिनेटली एक मोमेंटम आया है विच इज़ गुड बट बैंक निफ्टी के अंदर ना तो मोमेंटम आया बिकॉज बैंक निफ्टी टेस्ट इट्स वेरी गुड सपोर्ट लेवल ठीक है और बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास भी था अगर बैंक निफ्टी को मोमेंटम करनी होती है अगर शॉर्ट कवरिंग आई है मार्केट के अंदर तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा तेज भागना चाहिए था बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ फोर्टी के फोर्टी के ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट डाटा बैंक निफ्टी का दिखाऊं ना आप सिर्फ ऐसे चेक करके देखिए कि आज का क्या था तो हाई स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटर्स थे ऑलमोस्ट सात एक लाख करोड़ के चलिए इसको तो इग्नोर कर देते हैं आ, मैं ओपन इंटरेस्ट डाटा ऑटोमेटिकली हर टाइम हर पाँच मिनट पे चेक कर रहा था तो आ, दो बज के पंद्रह मिनट पे जो कॉल राइटर्स थे वो थे दो करोड़ ठीक है एंड पुट राइटर्स थे सिक्सटी फाइव लाख एंड वो बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो गया था बट इन दी एंड वो नीचे गिर गया बिकॉज मार्केट की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उन लेवल्स को उसे मैच करना था तो so, बट दो पंद्रह से टू फोर्टी फाइव तक मैंने वॉच करा एंड आई पर्सनली फील अगर चलिए मैं एक बार ना इसको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए लेकर जाता हूँ बैंक निफ्टी को करेंट एक्सपायरी को इग्नोर करते हैं सेम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कॉल राइटर्स अभी भी ज़्यादा हैं फोर्टी uh, फोर थाउजेंड के अंदर पुट राइटर्स भी सेम है

बट अगर ऐसा नहीं होता और बैंक निफ्टी स्टार्टेड टू फॉल हम उस फॉल पे एंट्री ले सकते हैं ठीक है बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता वी विल नॉट गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी रिमेंबर दैट हम इसके ऊपर नहीं जाता सस्ते ही नहीं करता हम लोग बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं जाएंगे अब दूसरी चीज क्या बैंक निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल यहां पर बना दी तो हमें सीधा बाय कर लेना है देखिए नहीं यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है आप पैसे, पहले पॉसिबिलिटीज में भी पैसा कमा सकते हो बट वहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट के चांसेस बढ़ सकते हैं मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरी में करो सॉरी दूसरी में फियर ऑफ मिसिंग आउट के चांसेस बढ़ सकते हैं और वो मेरे लिए ज्यादा सेफ रहेगा और आप लोगों के लिए भी जो मैं करने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ लेट्स से कि बैंक निफ्टी ओपन होता है इसी लेवल पे या इसके आसपास ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है फिफ्टीन मिनट्स फाइव मिनट्स टेन मिनट्स जो भी टाइम फ्रेम आप ले लो ठीक है आफ्टर दैट बैंक निफ्टी ऊपर जाती है एक साइडवेज कैंडल बना देती है जस्ट टू कि बायर्स एंटर करें ठीक है बिकॉज इट वॉज अ वेरी गुड ब्रेकआउट टू बायर्स विल ट्राई टू एंटर मार्केट ऊपर जाएगी इट गेव अ फॉल्स सिग्नल आप लोगों के जो मल्टीपल स्टॉप लॉसेस लगे होंगे कहीं इधर लगे होंगे कहीं यहाँ पर इधर साइड लगे होंगे कहीं इधर साइड लगे होंगे मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आएगा आपके सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करेगा एंड आफ्टर दैट एक बड़ा ब्रेकआउट देगा और वहां से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई सिनेरियो अगर होता है तो तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है हमारा जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो सकता है और बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस हो सकता है बट अगर ब्रेकआउट देता है और अगर सीधा ऊपर 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 जाते रहे और हमारी एंट्री नहीं हुई तो यह एक रिस्क है जो आपको फेस करना पड़ सकता है जो कि मैं डेफिनेटली फेस करने वाला हूं बिकॉज आई विल नॉट एंटर विद जस्ट अ वन और टू और थ्री बुलिश कैंडल अगर कंटिन्यूस ऊपर जा रही है आई विल नॉट एंटर मैं चाहता हूं कि ऊपर जाए नीचे फॉल्स ब्रेक डाउन दे स्टॉप लॉसेस हंट करे एंड जब वहां से रिकवरी आएगी देन आई विल एंटर अ लॉन्ग पोजिशन बिकॉज आई एव गॉट अ कन्फर्मेशन कि इसके ऊपर जा चुका है जितने भी यहाँ पर 44,000 के ऊपर 44,100 के जितने भी कॉल राइटर्स होंगे दिल स्टार्ट पैनिकिंग क्योंकि जब इसके ऊपर जाएगा 44,030 के ऊपर तो सीधा अगर एक कैंडल भी बनाता है तो सिंपल 44,080 और जो भी दो स्ट्राइक प्राइस के कॉल राइटर्स होंगे दिल स्टार्ट पैनिकिंग एंड जब वो नीचे आएगा तब यहाँ पर एक्चुअल बाइंग स्टार्ट होगी एंड कॉल राइटर्स पूरे तरीके से नीचे आएंगे एंड पुट राइटर्स और कॉल बायर्स की पोजीशन बनेगी ठीक है सो दैट वाज अ गुड साइन टू एंटर इन बैंक निफ्टी पोजीशन अब एक बार निफ्टी को चेक कर लेते हैं अह सो बैंक निफ्टी के अह uh, निफ्टी के अंदर यहां पर आप देख सकते हो अ काइंड ऑफ अ हैमर पैटर्न बना है ये हम बेसिकली आई डोंट ट्रेड एज यू नो कैंडल स्टिक पैटर्न दैट मच बट आई मैं अभी लिंकडिन देख रहा था एंड वहाँ पर वेब जी हैं जो ऑलमो शेयर डॉट मार्केट के हेड हैं कॉन्टेंट के एंड डेफिनेटली वॉज ही इज वेरी गुड डूइंग टेक्निकल एनालिसिस एंड ही सजेस्ट कि ये एक बुलिश पैटर्न बनाए जाए एज वी कैन सी इट हेयर बट अगर इसकी जो क्लोजिंग है वो थोड़ी और ऊपर होती ठीक है तो वो एक ड्रैगन फ्लाई पैटर्न भी बन सकता था एंड इट्स वाज़ अ पॉसिबल रिवर्सल पैटर्न सो आई डोंट ट्रेड दिस कैंडलस्टिक पैटर्न सो आई डोंट नो मच अबाउट ड्रैगन फ्लाई एंड दैट पैटर्न्स बट देर माइट बी अ चांस की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बट एज आई सजेस्टेड यू अर्लियर हम लोगों ने जो लेवल सजेस्ट करे थे फोर आवर्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं ठीक है ओके okay. फोर आर टाइम फ्रेम लेटमी ये लेवल आई सजेस्टेड यू यहां पर एग्जैक्टली exactly इस बैंक निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक करा बिकॉज इसने प्रीवियसिंग लो तोड़ा जैसी प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा एक बढ़िया कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल ने उसको पूरा कवरअप कर लिया आफ्टर दैट एक गैपअप आया और मार्केट राय टू गो हायर Previous break नहीं, previous high break नहीं कर पाया। अगर market ने ये लेवल को तोड़ा के लेवल को ब्रेक करा तो वहां से एक बड़ी शॉर्ट फॉल हमें देखने को मिल सकती है और एग्जैक्टली exactly हमें मोर देन 250 पॉइंट्स की फॉल हमें देखने को मिली है, मोर देन 200 पॉइंट्स की फॉल देखने को मिली भी है ठीक है अब वहां से एक रिकवरी आ रही है अगर चलिए मान के चलते हैं कि निफ्टी के अंदर भी एक रिकवरी आती है बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है और अगर मार्केट टेस्ट करती है 19,550 को और वहां से एक पॉसिबल रिवर्सल दिखता है या पॉसिबल बियर स्कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो वहां पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनानी चाहिए बिकॉज आई थिंक कि इसके ऊपर जाने के जो चांसेस हैं अभी शॉर्ट टर्म पे खत्म हो चुके हैं अगर ये 19,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो ही मैं लॉन्ग के पर्स्पेक्टिव सोचूंगा इज मैं बाय में बस एक हेजिंग मतलब सॉरी एज अ स्कैल्पिंग पर्पज के लिए मैं लॉन्ग जा सकता हूँ बट अदरवाइज मैं सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी देखूंगा ठीक है आई होप आपको ये चीज़ क्लेरिफाई हो गई होगी निफ्टी पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ नाइनटीन थाउजेंड से लेकर 19,600 तक जितने भी पुट राइटर्स थे देट एंड वाइंडिंग देयर पोजिशन दैट मीन्स की कॉल राइटर्स ने अपनी पोजिशन ऊपर लेवल पे और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड कर ली है ठीक तो दोनों तो exactly की स्ट्रॉन्ग होल्ड है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ी फॉल भी हम लोग दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसलिए मेरे लिए सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी निफ्टी के अंदर ज्यादा अच्छी है बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी है बिकॉज बैंक निफ्टी में फोर्टी फोर्टी फोर का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर वो ब्रेक भी नहीं करता तो भी मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज बना सकता हूँ सो आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आ गई होगी मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ कल के स्टॉक्स पे सबसे पहले है टी सी एस फोर आर्स के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ एक मेजर ये लेवल था इन लेवल्स का इसने एक ब्रेक करा है और एज यू कैन सी इट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल बहुत अच्छा ही लेवल था इस लेवल का ब्रेकआउट दिया इट्स दैट मेकिंग अ वेरी गुड रिजेक्शन ओवर है और लास्ट आर के अंदर इसके अंदर बाइंग भी हमें देखने को मिली है एज यू कैन सी इट है वेरी गुड बाइंग देखने को मिली है बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बना सकते हैं एंड वॉल्यूम्स uh, बहुत तेजी से लास्ट आर के अंदर इस पे हम लोगों को राइज होते हुए देखने को मिले हैं सो so, या तो कोई न्यूज होगी या तो कुछ फैक्टर है बट डेफिनेटली uh, इसके अंदर बाइंग मोमेंटम अभी भी बचता है जो मुझे लगता है कि कल के सेशन पे दिखा सकता है इसको चेक कर सकते हैं इसके अलावा मैं बाला माइन्स को मैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखा हुआ है इस पर मुझे एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेंसी है अगर ये ट्वेंटी टू थर्टी के ऊपर निकलता है कल इस लेवल के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है आई विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द स्टॉक और मैं फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर फाइंड करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा आप so सो अभी के लिए यही दो स्टॉक्स हैं मेक श्योर sure आप इन्हें वॉच लिस्ट पर ऐड कर सकते हैं एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस कल देखते हैं क्या मार्केट के अंदर होता है इफ़ आई गेट अ चांस मैं कल निफ्टी एक्सपायरी पे लाइव आ सकता हूँ एंड आई एल सजेस्ट यू कि किस तरीके से आप और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं आईव अ वेरी गुड डे गाइस बाय बाय